बॉबी झा MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं एक नजर आज की हेडलाइन पर। सड़क हादसे में हुई क्रिकेटर और बेटी की मौत, लखनऊ की जनता को नहीं लुभा पाए फिल्मी सितारे और बड़े नाम। त्रिपुरा में बोले PM मोदी, मिडिल क्लास पर ज्यादा टैक्स लगाकर बदला लेना चाहती है कांग्रेस। अब खबरें विस्तार से। पूर्व दक्षिण अफ्रीकी महिला ऑलराउंडर 25 साल की एलरिजा थ्यूनेंस फौरी की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। फौरी इस वर्ष 2 मई को 26 वर्ष की होने वाली थी। उन्होंने अपनी राष्ट्रीय टीम की ओर से वर्ष 2013 में 3 वनडे अंतर्राष्ट्रीय मैच, एक T20 मैच खेला था। वह महिला विश्व कप 2013 में दक्षिण अफ्रीका टीम का हिस्सा रही थी। उन्होंने कटक में श्रीलंका के खिलाफ अपना वनडे पदार्पण इसी वर्ष किया था। फौरी ने दक्षिण अफ्रीका की ओर से अपना आखिरी अंतर्राष्ट्रीय मैच सितंबर में बांग्लादेश के खिलाफ 2013 में ही खेला था। घरेलू क्रिकेट में वह नॉर्थ वेस्ट ड्रैगन्स की ओर से खेलती थी। अदब, तहजीब और नफासत का शहर लखनऊ उस राज्य की राजधानी है जो देश की चुनावी राजनीति में बड़ी भूमिका निभा रहा है। यहाँ ना तो बॉलीवुड के सितारे का जादू चलता है और न ही किसी बड़े नाम पर भरोसा करने का चलन है। पिछले कुछ चुनावी आंकड़ों पर नजर डाले तो लखनऊ के मतदाताओं की चुनावी नब्ज का सकते हैं। नवाबों के इस खूबसूरत शहर में पिछले 28 साल से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है और इसमें भी लंबे समय तक पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने लोकसभा में इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है। लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार में जुटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को त्रिपुरा में रैली की। उदयपुर में हुई इस जनसभा में मोदी ने कांग्रेस और लेफ्ट पर जमकर हमला बोला। मोदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल मिलकर मध्यम वर्ग को सजा देने का मन बना चुके हैं, जिनसे लोगों को बच कर रहना चाहिए। मोदी ने यह भी कहा कि कांग्रेस और लेफ्ट दल त्रिपुरा और केरल में कुश्ती करते हैं और दिल्ली में उन्हें मोदी को गाली देने के लिए एक हो जाते हैं। तो MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।